बांद्रा स्टेशन पे जो लोग इकट्ठे हुए उसके एक दिन पहले सूरत पे, सूरत के बाजार में हजारों लोग, हमें घर जाने दो, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें रोजगार डूब गया है, हमें खाने को पैसा नहीं है, ये हमने देखा। इसके पहले हमने देखा कि तेलंगाना के रास्ते पर हैदराबाद के हाईवे के आसपास लोग जुट गए। इसके पहले हमने देखा कि गाजियाबाद हो या फरीदाबाद हो या दिल्ली के आसपास के लोग जो मजदूर अपने गांव के पास जाने के लिए पैदल निकल पड़े। ये जो बात है कि सरकार कहती एक है और उनको अपनी जो स्टेट मशीनरी है, यंत्रणा है, उसे वो काम करवा नहीं रहे। लोगों को नौकरी जाए गई वो तो डूबी गई है, तनख्वाह प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। और कोई भी ऐसा कानून जो उद्योगपति या छोटे उद्योगपति या बड़े उद्योगपति उनको ये कहे कि नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार उनसे हाथ जोड़ के कहती है तो कौन हाथ जोड़ के सुनने वाला है, चाहे सरकार हो कोई भी हो। उन्होंने तो मजदूरों की छुट्टी कर दी। अब मजदूर बैठे बैठे मरे या घर के पास जाए। सरकार ने कम से कम लॉकडाउन डिक्लेयर होने के पहले अगर रेलवे को कुछ ट्रेनें खास करके आर्मी या पुलिस के जरिए कंट्रोल करके जो कोविड के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको संभालते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को संभालते हुए अगर लोगों को, माइग्रेटेड लेबर को, लोगों को घर तक पहुंचाया होता तो ये समझने वाली बात थी। सरकार ने ऐसा तो किया नहीं, लोगों को रास्ते पे छोड़ दिया। लोगों को घर नहीं है, लोगों को खाना नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये माइग्रेंट लेबर करे क्या? ये कौन है माइग्रेंट लेबर जो हमारे छोटे छोटे उद्योगों में बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बम्बई जैसे जगह पे काम करते हैं, पंजाब में जहाँ उद्योग हो वहाँ पे जाके काम करते हैं। और अब जब लॉकडाउन में उनको कोई भी ऐसी सहूलत नहीं मिल रही और खाने को दाना पानी नहीं है तो करें क्या बेचारे? तो ये बेचारे अब फ्रस्ट्रेशन में उनका परिवर्तन हो रहा है। आज सवाल ये है कि यंत्रणा, जो शासन यंत्रणा है, क्या इनके पास ये ध्यान देगी? ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इन्होंने स्पष्ट रूप से 2 अप्रैल को हमने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी, उसमें हमने 15 प्रस्ताव सरकार के पास रखे और हमने ये कहा हम आपके पास एक सहयोग करके ये 15 प्रस्ताव आपके पास रखते हैं, आप कृपा करके हमारे साथ जो माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उस माध्यम से हमसे चर्चा करेंगे। हम सहयोग करना चाहते हैं सरकार से, तो हम चाहते हैं कि सरकार की ये जो डिक्लेरेशन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इसके ऊपर कैसे अमल किया जाए। इसके लिए आज जो माइग्रेंट लेबर है, क्या इसकी कोई गिनती है सरकार के पास? कोई बेस, कोई डाटाबेस है? ना हमारे पास है ना आपके पास है। आपके लेबर डिपार्टमेंट से या और कहीं अन्य और मशीनरी जुटाकर इनकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग करो कि माइग्रेंट लेबर कितने हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जो आशा वर्कर्स है, जो मथाड़ी वर्कर्स है, जो फेरी वाले हैं, जो बीड़ी वर्कर्स है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो नाका कामगार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, माइग्रेंट लेबर है, कौन से कहाँ से आए मालूम नहीं है, क्या इसकी कोई गिनती आप नहीं करोगे? क्या लेबर डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? हम ऐसे समझते हैं कि 20 लाख लोग मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के आसपास में ही जितने छोटे छोटे उद्योग हैं वहाँ पे वो काम करते हैं, जिनके हमने अपने नाम गिने, जिनका हमने वो वर्णन किया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाखों की तादाद में लोगों का संगठन नहीं है और ऐसे वक्त उनको रेशन कार्ड नहीं है। जिनको रेशन कार्ड नहीं है उनको रेशन देना क्या ये सरकार का काम नहीं है? हमने इतना ही कहा कि जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है उनको रेशन दे दो, मुफ्त में दे दो। गोडाउन में धान भरे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में गोडाउन ओवरफ्लो हो रहे, वो राशन की दुकान पे आना चाहिए, लोगों के पेट में दाना जाना चाहिए। क्या ये कानून के जरिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए सरकार का काम नहीं इसको अमल में लाना? फिर शासन नियंत्रण क्या कर रही है? इसलिए हमने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं बात तो करेंगे, डायलॉग करेंगे, नहीं तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा। 2 अप्रैल को हमने ये मुख्यमंत्री जी को मेल भेजा, उसके बाद हमने फिर एक बार 11 तारीख को हमने जूम में, हम सभी जो संगठन है, कौन कौन संगठन है, हम भारतीय कामगार सेना है, AITUC है, इंटक है, CITV है, HMS है, NTUI है, श्रमिक एकता महासंघ है, बहुत सारे ST BST ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, वेंडर्स, आशा आंगनवाड़ी, सभी कर्मचारियों, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो चाहे फॉर्मल सेक्टर में, इनके हम नुमाइंदे हैं। इनकी तरफ से हम सरकार को ये अपील करते थे कि लोगों की भूख जो है
उसको मिटाओ। इनकी तरफ से हम लोगों को अपील करते थे कि सरकार को चाहिए कि इनका वेतन प्रोटेक्ट करे और इसलिए एक डाटा बेस तैयार करे। वो डाटा बेस तैयार करते हुए हम भी लोगों से अभी हमने अपील की है, हमने अपील ये की है, बांद्रा का जब एक बहुत बड़ा कांड हमने देखा, उसके पहले सूरत का देखा, ये जो होलोकॉस्ट है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका गलत इस्तेमाल जो सत्ता में नहीं है वो जब करते हैं तो वो गलत है। हम आज सत्ता में जो है वो महाविकास आघाड़ी, हम उनसे चाहते हैं कि भाई ये जिंदगी के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, आखिर मजदूर संपत्ति को पैदा करता है, इन मजदूरों को बचाना ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है, ये हर धर्म के लोग हैं, इनकी जात मत देखो, इनका धर्म मत देखो, ये भारतीय है, ये मजदूर है, ये संपत्ति के निर्माता है, इनके लिए मुफ्त राशन देना या शासन का कानूनी कर्तव्य है, इनको इनका इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देना यह कानूनी कर्तव्य है। शासन को अगर आगे बढ़ना है, कोरोना से जूझ कर कोरोना को हराना है, तो ये जो जिंदगियां हैं, ये आम आदमी की जिंदगी जो है, ये जिंदगियां भी बचना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था में लोगों के हित के लिए आपको काम करना है, निजी क्षेत्र कोई सहयोग नहीं दे रहा है, पीएम केयर में पैसा जमाओ, लेकिन जो काम करने वाले मजदूर है वही तो देश चला रहे हैं, वही तो संपत्ति का निर्माता है, इनको बचाने के लिए इस देश के बजट में से और बजट के बाहर भी बहुत पैसा है। ये पैसा केंद्र का हो और राज्य का हो, दोनों मिलकर आज देश की जनता को बचाने के लिए, 80 करोड़ जनता के बचाने के लिए सिर्फ भाषण उपयोगी नहीं है। हमने 10 ऐसे बड़े जो एडवोकेट्स हैं उनकी एक टीम बनाई है, उन टीम के नंबर्स हमने मीडिया को दिए हैं, और ये जो टीम है, इस टीम के पास हम एक डाटा बेस तैयार कर रहे हैं, जो सरकार को भी विनती की हमने और हम भी करेंगे कि भाई जो माइग्रेंट लेबर है, जो लेबर सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं, उसको रिकॉर्ड पे लाओ, उसको एक स्टैट्यूटरी कवर दो, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तहत वर्कर का एक डेफिनेशन जो है उसके अंडर ले आओ, कोर्ट में जाके सरकार के एक ये जो परिपत्रक है, जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन के हिसाब से कम लॉकडाउन पीरियड में हम उनकी जो सैलरी है वो उन्हें मिले, उनको पीडीएस सिस्टम से रेशन मिले, जिनके पास कार्ड नहीं उनके पास कार्ड करने का इंतजाम करें, उनको भी 10 किलो तक जो कुछ धान देना है, चावल देना है, तेल देना है, वो मिले, वो उनका हक है। जो केरल गवर्नमेंट ने किया, क्या वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर सकती? पहली हुए हम आप लोग अपील कर रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर का डाटा इकट्ठा करो, वकीलों के जरिए हम उनका एक डाटा बेस लेके कोर्ट में एक पिटिशन तैयार कर रहे हैं, और ये डाटा बेस लेके हम सरकार से कहेंगे कि भाई ये आपकी जनता है, इस जनता को आप संभालो, इनकी जिंदगी को संभालो, इनका रोजगार संभालो, इनको वेतन दो, इनको धान राशन दो, और आर्थिक तरीके से पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा ऐसा हम नहीं देखना चाहिए, ये हमारा है, ये उनका है, ये बात छोड़ दो, और इनके जिंदगी के लिए कामगार संगठन संयुक्त कृत समिति, जो महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा 35 बड़े ट्रेड यूनियंस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम सरकार से अपील करते हैं कि भाई हमारी बात ध्यान से सुनो, इस तरीके से आगे हमको काम करना है, एकजुट होके, और कोरोना को हराना है, लेकिन आम आदमी को हमें जिंदा रखना है।